नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमित गोयल, स्थानीय अनाज मंडी का व्यापारी हूं। अभी भादरा विधानसभा में 2018 के विधानसभा के इलेक्शन चालू हैं, जिनके वोट 7 दिसंबर को हमारे क्षेत्र में मतदान होने हैं। साथियों, कम्युनिस्ट पार्टी से कॉमरेड बलवान पुनिया हमारे बीच में उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों के साथ विजयी करवा के आप विधानसभा में भेजें, जिससे एक आम आदमी की आवाज़ को ताकत मिल सके। साथियों, प्रश्न ये खड़ा होता है कि कॉमरेड बलवान पुनिया को वोट क्यों दिया जाए। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि गत 18 वर्षों से कॉमरेड ने जो संघर्ष किया है, ये संघर्ष हमने तो आज तक किसी भी नेता का नहीं देखा। सभी नेता हमारे बीच में आते हैं, कहते हैं कि हमें एक बारी जिता दो। जो जीत के चला गया वो ये कहता है कि इस बारी हमारी भूल हो गई, हम आगे संघर्ष करेंगे, एक मौका और दो। जब आप कहते हो कि भूल होगी और हमने संघर्ष करना सीखा है, तो मेरा आपसे प्रश्न ये रहता है कि आप सिर्फ चुनावों के दिनों में ही हमें दिखाई क्यों देते हो। यदि आपने संघर्ष करना सीखा है, तो जरा सीखो हमारे कॉमरेड से, बलवान पुनिया से, जो हर दिन हर समय किसानों के, व्यापारियों के और छात्रों के बीच में रहते हैं। यहाँ ज़मीन से जुड़ के उनके साथ संघर्ष करते हैं, अन्य नेताओं की तरह नहीं कि जो चुनाव के दिनों में तो दिखाई देते हैं, उसके बाद अपने आलीशान बंगलों में जाके आराम फरमाते हैं। साथियों, कॉमरेड बलवान पुनिया ने हर छात्र की आवाज़ को उठाया है, हर किसान की आवाज़ को उठाया है, चाहे वो फसल बीमा क्लेम हो, चाहे फिर सिंचाई क्षेत्र में, असिंचित क्षेत्र में पानी की मांग हो, या फिर समर्थन मूल्य पर किसान की फसल को विक्रय करना हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो, कॉमरेड कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा हमारे साथ रहा है। हमारे बीच में जो अन्य बड़ी पार्टियां हैं, उन लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है, कैसे भी करके धनबल का या नशीले पदार्थों का प्रलोभन देकर वोट बैंक हासिल किया जाए। नहीं मेरे साथियों, हमें इस तरह के किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसना है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को चुनना है, संघर्ष के रास्ते को चुनना है, जिससे कि हम हमारी आवाज़ को बुलंद करके विधानसभा में भेज सकें, हमारे क्षेत्र का विकास करवाने के लिए। हमें एक ऐसी आवाज़ को बुलंद करके विधानसभा में भेजना है जो हमारी हर एक मांग को विधानसभा में रख सके, हमारे कार्यों को करवा सके। साथियों, इसीलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि 7 दिसंबर को दांती हथौड़ा और सितारा का बटन दबाकर कॉमरेड बलवान पुनिया को विजयी बनाए, और बहुत ही भारी मतों के साथ, इतने ज़्यादा मतों के साथ उनको विजयी बनाए कि इनकी जीत राजस्थान में ऐतिहासिक हो। हम लोगों ने टारगेट बनाया है कि कॉमरेड को हमारी विधानसभा में, जहां 2 लाख के लगभग वोट पोल होने हैं, तो हम सब लोगों का एक ही टारगेट है कि कॉमरेड को 1 लाख वोटों से ऊपर विजयी प्राप्त हो, जिससे कि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद हो उसको। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।